विदिशा जिले के पठारी में हस्ताक्षर अभियान का दूसरा चरण जारी है। इस बार पठारी क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार हो, इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान के दूसरे चरण में सैकड़ों नागरिकों ने हस्ताक्षर कराए गए। हस्ताक्षर अभियान की प्रभारी एवं पठारी क्षेत्र के दावेदारी कर रही आरती अहिरवार ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के दूसरे चरण में ग्राम हसमपुर छपरा वड़ोह एवं पठारी में हाट बाजार होने के कारण नुक्कड़ सभा के माध्यम से पठारी क्षेत्र के ग्रामों से आए नागरिकों से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। वह हस्ताक्षर के माध्यम से हर एक नागरिक से रूबरू हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पठारी क्षेत्र से सशक्त उम्मीदवार बनने का प्रयास कर रही है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी के लिए मैं आरती अहिरवार विधानसभा से छारी से ग्राम बड़े पठारी से। मैं सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, जल और वहाँ से पर्यटक, हर की बहुत सारी समस्याएं हैं सर। जो भी नेता आते हैं बनकर जाते हैं तो नहीं करवाते सर, उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आई हूँ सर। यदि आपको पार्टी में उम्मीदवार हो सकती है तो आप क्या करेंगे? सर, जो मांगे हैं जनता की सर, जहाँ तक होगा प्रयास पूरा करूँगी उनकी मांगों को लेकर और उनके विश्वास सर खड़ी उतरूंगी को लेकर, और शिक्षा, जल और पर्यटक, स्वास्थ्य को लेकर। जैसे कि पठारी क्षेत्र है, गरीब और मजदूरों का, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं इसमें, जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते सर, तो उनके लिए जो स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। पढ़ाई क्षेत्र में कॉलेज भी नहीं है और मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए बाहर भी ना होता है, तो कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित भी हो जाते हैं सर। जो ऐसा होता पढ़ा लेते, जो नहीं होता नहीं पढ़ा पाते सर, उनके लिए कॉलेज बनवाना ज़रूरी है सर। और पढ़ाई क्षेत्र में नगर पंचायत घोषणा तो सभी ने की है कि बनवाएंगे, नेता आए बनकर चलेगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया नगर पंचायत में। नगर पंचायत बनती तो आज सारी समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं सर। और पठारी क्षेत्र में नागरिकों की जो मांग है, जल संकट की पूर्ति, बीना नदी से हरदुगा डैम से पानी लाया जाएगा, इस प्रकार से कुछ करेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएगी। पर्यटक क्षेत्र जैसे पठारी में पुरातत्व संपदा है, जो कॉरिडोर बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। और नेता बनते हैं, सब बन के जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो सर प्रयास करूंगी और बनवाऊंगी सर, और जनता के विश्वास पर खड़ी उतरूंगी सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।